हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बैंगन की एक बहुत ही चटपटी सब्ज़ी। ये है महाराष्ट्र के फेमस भरली वांगी। इसमें एक स्पेशल मसाला भरा जाता है जो कि इसके स्वाद को दोगुना कर देता है। इस मसाले को आप स्टोर भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मज़ेदार बैंगन की सब्ज़ी को बनाना। तो इसके लिए हम एक चम्मच तेल को गर्म कर लेंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा इसमें डाल देंगे एक चम्मच जीरा और इसे अच्छे से हम तड़कने देंगे। जब ये जीरा तड़क जाएगा तब इसमें डाल देंगे 1/4 कप ये मूंगफली और इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो पर ही रखें, हल्का सा हमें यहाँ पे सेक लेना है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही मज़े की सब्ज़ी और मसाला बनता है। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। 5 से 6 मैं पहले लहसुन डाल दूंगी, करीब 2 मैंने हरी मिर्च ले ली है, साथ ही मैं 1 इंच जिंजर को इस तरह से कट करके डाल दूंगी। अब 1 प्याज को हम रफली चॉप करके इस तरह से यहाँ पे डाल देंगे और इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इस मसाले को बनाकर आप हफ्तों तक स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में और इसे डिफरेंट डिफरेंट सब्जियाँ भी बना सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 1/4 कप हम यहाँ पे ये ग्रेटेड नारियल, आप फ्रेश भी ले सकते हैं, ड्राई भी ले सकते हैं। साथ ही हम 1 टेबल स्पून यहाँ पे खसखस भी डाल देंगे, इसे पॉपी सीड्स भी कहते हैं या पोस्त के दाने भी कहते हैं। लो फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसे जितना अच्छा रोस्ट करेंगे उतनी ही इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो इसे अगर लंबे समय तक स्टोर करना है तो आप अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा मसाला सिक चुका है, गैस को हम बंद कर देंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हम धनिया पाउडर और 1/4 या 1/2 टीस्पून के करीब हम यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच नमक डाल देंगे। हमने ये सब मसाले गैस को बंद करने के बाद डाले हैं ताकि मसाले जलने ना पाए, क्योंकि सभी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ड्राई हैं। इस तरह से हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और इस तरह से रोस्ट करने के बाद में हम यहाँ पे इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। करीब 2 से 3 मिनट में ठंडा हो जाता है। इसके बाद में हम इसे एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे। इसे हमें एकदम फाइन पीसना है, तो छोटा वाला मिक्सर जार जिसमें हम चटनी पीसते हैं उसमें लीजिए, उसमें बहुत ही अच्छे से पिसता है। और इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पे मसाला सेकने के बाद में मिक्सर में डालने के बाद थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि नारियल और मूँगफली काफ़ी ज़्यादा पानी मांगता है पिसने के टाइम। तो इसे आप पानी डालिए और इसे अच्छे से स्मूथ पेस्ट के रूप में बना लीजिए। करीब 3 से 4 बार आपको इसे पीसना पड़ेगा, तब ये एकदम स्मूथ बन जाएगा। देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये ग्रेवी बन चुकी है। ये एकदम ट्रेडिशनल रेसिपी है और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इस तरह से मैंने इसे बोल में निकाल लिया है और आप इसे बनाकर इस तरह से फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश धनिया डाल रही हूँ और इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जब आप सब्ज़ी को बनाएं तभी आप इसमें फ्रेश धनिया डालें, पहले से डाल के ना रखें यदि आप इसे लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये 250 ग्राम बैंगन ले लिए हैं, इन्हें धो लिया है और इस तरह के हमें छोटे वाले देसी वाले बैंगन चाहिए। तो इस तरह के बैंगन महाराष्ट्र में मिलते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और कच्चे होते हैं, इनमें बीज बिल्कुल नहीं होता। धोने के बाद में हम इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से स्लिट लगाएंगे कि ये जो बैंगन है वे कटे ना आप, लेकिन नीचे से एकदम आपस में जुड़े रहे हैं और इस तरह से इसमें हम मसाला भी स्टफ़ कर सकें। जिस तरह से कि हम भरवा कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं सेम इसी तरह से इसमें जीरा लगा लेना है। तो इस तरह से क्रॉस लगा लेने के बाद में हम यहाँ पर इसे स्टफ़ करेंगे। तो यहाँ पर मुझे इसके स्टेम्स हैं थोड़े ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। मेरे घर में बैंगन की जो बड़े बड़े स्टेम्स हैं बच्चों को पसंद नहीं आते हैं, तो मैंने यहाँ पर कैंची या चाकू की हेल्प से जो एक्स्ट्रा बड़ा वाला स्टेम है इसे कट कर दूँगी, ताकि थोड़ा सर्व करने में भी अच्छा लगे और अननेसेसरी वाले स्टेम को हम यहाँ पर निकाल देंगे। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इस तरह से मैंने सारे बैंगन को तैयार कर लिया है और इस तरह से तैयार करने के बाद में अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई में या बर्तन में तेल गरम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे बैंगन को करीब 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा टाइम के लिए फ्राई नहीं करना है। इस तरह से फ्राई करने से जो भरली वांगी है बहुत टेस्टी बनती है और नेक्स्ट प्रोसेस का काफ़ी स्पीड से हो जाता है, फटाफट बन जाती है। यदि आप यहाँ पर इसे डीप फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो इस स्टेप को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे इसे डीप फ्राई करके ही बनाना है, पर एक बार डीप फ्राई करके ज़रूर बनाएं। और देखिए बैंगन 2 मिनट में ही काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं, अब आप इन्हें बाहर निकाल लीजिए। इस तरह से एक बार बैंगन की सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये बेहद पसंद आएगी। और जो बैंगन नहीं खाते हैं वे भी बैंगन खाना स्टार्ट कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इन्हें फ्राई कर लिया है। गैस को आप बंद कर दीजिए और जो गैस हमने कढ़ाई में तेल लिया था उस तेल को आप कम कर लीजिए, ये हमारे बाद में काम आएगा। तो ये बैंगन को हल्का सा ठंडा हो लेने दीजिए, देखिए पक चुके हैं और अब हम इसमें आसानी से अपना जो तैयार मसाला है वह भर सकते हैं। तो इस तरह से भरने के बनाने के बाद में मैंने जो मसाला है वह भी इसमें भर लूँगी। तो देखिए इस तरह से जो हमने चीरा लगाया था उसमें आप एक स्पून की सहायता से इसे भर लें। पेस्ट को आप बहुत ज़्यादा पतला ना करें, नहीं तो हम इसे स्टफ़ नहीं कर पाएंगे। इसी तरह का हमें पेस्ट चाहिए होता है ताकि हम बैंगन को अच्छे से भर सकें।
तो इस तरह से मैंने सभी बैंगन को तैयार कर लिया है। तो आप फ्रेंड्स, कौन बैंगन से आप कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आपको बैंगन की और डिफरेंट यूनिक रेसिपीज़ चाहिए तो वह भी कमेंट्स में बताएं। सभी बैंगन भर चुके हैं, हमने तेल को कम कर लिया था और गैस लो पर ही है, और उसमें हम यहाँ पे भरे हुए बैंगन डाल देंगे। तेल में तेल इतना ही डालना जितना हमें सब्ज़ी के लिए ज़रूरत है। अब इसे हम अच्छे से अलट पलट करके थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे ताकि बैंगन के ऊपर एक अच्छा सा ग्लॉजीनेस आ जाए, सब तरफ तेल अच्छे से लग जाए। और मसाला जो हमने यहाँ पे ये भूना है, पहले बहुत ज़्यादा नहीं भुना था, पानी डालने के बाद में इसे भूनना पड़ता है। इस ग्रेवी की खासियत ये होती है कि इसमें आप जितना पानी डालोगे ये पानी एब्जॉर्ब करती जाती है, तो अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग आप पानी डाल सकते हैं। बच्चा और ग्रेवी मैं यहाँ पे डाल दूंगी क्योंकि मेरे घर में सभी को ये ग्रेवी बहुत पसंद आती है, तो मैं सारी ग्रेवी इसमें डाल देती हूँ। यदि आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे हम अच्छे से भून लेंगे। लो फ्लेम पर हमें इसे भून लेना है ताकि ग्रेवी में एक अच्छी सी शाइन आ जाए। तो इसे आप यहाँ पर ये स्टेप को ज़रूर करें। जब हमारा ये ग्रेवी हल्की सी भुन जाएगी, फ्लेम को बिल्कुल लो पे ही रखेंगे। अब मैंने सभी बर्तन जैसे कटोरे को और मिक्सर को धो के इस तरह से 1 कप पानी डाल के इसे कलेक्ट कर लिया था ताकि हमारी ग्रेवी बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, और इसे अच्छे से हम पानी डाल के पकाएंगे। तो आप यहाँ पे 1 से 1.5 या 2 ग्लास जो पानी है वह भी डाल सकते हैं क्योंकि ये ग्रेवी काफ़ी पानी पीती है। तो इस तरह से एक बार हिलाने के बाद में हम इसे ढक देंगे, और ढक के करीब इसे 7 से 8 मिनट के लिए, कभी कभी 5 मिनट में भी हो जाते हैं, ये बैंगन पर डिपेंड करता है। बैंगन जितने फ्रेश होंगे उतने जल्दी पक जाते हैं। ढक के इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे इसे चेक करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे तेल कितना अच्छे से ग्रेवी ने छोड़ दिया है, हमने बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला था, और बहुत ही बढ़िया शाइन इसके ग्रेवी पर आ रही है। तो इस तरह से बैंगन काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, एकदम पक चुके हैं। अभी आप यहाँ पे जो ग्रेवी है इसे हम थोड़ा सा अनकवर करके पकाएंगे। तो जब भी आप कभी सब्जी को इस तरह से कवर करके पकाएं, उसे एक बार आप 2 मिनट के लिए बिना ढके लो फ्लेम पर जरूर पकाएं, इससे सब्जी की रंगत बदल जाएगी। देखिए मैंने 2 मिनट से पकाया था, सब्जी एकदम परफेक्ट बन चुकी है, हमारी ग्रेवी एकदम शानदार चमक रही है। तो इस तरह से हमारी सब्जी कंप्लीट हो गई है। आप इसे गर्मा गर्म ज्वारी की सब्जी, भाकरी या गेहूं की रोटी साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े की लगती है। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। इसी तरह की डेली रूटीन की सब्जियां यदि आपको चाहिए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब इसे हरे धनिए से गार्निश करें और इसे आप एंजॉय करें। इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए हमारे साथ बने रहें, और हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।